नमस्कार और साक्षी न्यूज सनाटे और आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों पहले बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से हटाए गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में कहा गया कि बयानबाजी उन्हें ले डूबी। कहा गया कि गडकरी शायद अब इशारों इशारों में अपनी ही सरकार पर निशाना नहीं साधें, लेकिन गडकरी अब भी लगातार बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि किसी को इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो की प्रथा नहीं अपनानी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने रिचर्ड निक्सन के कथन का हवाला देते हुए कहा है कि जब कोई व्यक्ति पराजित होता है तो खत्म नहीं होता, लेकिन जब वह हार मान लेता है तो खत्म हो जाता है। हम आपको बता दें कि गडकरी नागपुर में उद्यमियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। यही नहीं, गडकरी ने यह भी बताया कि जब वह छात्र नेता थे तब कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था। इस पर उन्होंने श्रीकांत जिचकर से कहा था कि मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है। जब आपको सक्सेस मिलता है तो उसकी खुशी अगर केवल आपको अकेले को अगर होती होगी देन दैट इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है और खुशी होती है तो आपसे ज्यादा आपके साथ काम करने वाले जो छोटे बड़े लोग हैं उनको आपसे भी ज्यादा खुशी होती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। तो मैं पहली बात कहूंगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन मुझे वो एक बार ऐसे ही, मैं नागपुर में काम करता था, स्टूडेंट लीडर था, सेम है तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पोलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले ये तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। बोले नहीं तो नहीं है। तो उस समय मुझे एक आईआईटी में मेरा दोस्त गया था और हम लोग चुनाव हारते ही थे, तो उसने मुझे एक किताब दी थी, वो रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी और उसमें बहुत सुंदर वाक्य था जो मैंने लाइफ में याद रखा, जो मेरे लिए उपयोगी था, आपको भी उपयोगी होगा। उसने कहा था द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो लड़ना चाहिए और लड़ने की में पॉजिटिविटी चाहिए। अहंकार एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दो शब्दों में अंतर है। आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पर अहंकार और अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम अधिक उत्तम सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी। छोटे छोटे लोगों से बहुत सी बातें सीखने के लिए मिलती है और मैं ये मानता हूँ कि अच्छाई पर, क्वालिटी पर किसी का पेटेंट नहीं है। तो हमारे ही दोस्त मित्रों के साथ बात करते करते बहुत सी नई नई बातें हमको सीखने के लिए मिलती है और वो हमारे पर्सनैलिटी में अगर हम ला सके तो दैट कैन बी ए गुड प्रोसेस बाय विच हम अपने को सुधार सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।